दोस्तों, इंडिया और बांग्लादेश के बीच खेले गए पहले T20 के रोंगटे खड़े कर देने वाले सुपर ओवर की अंतिम गेंद पर जो हुआ देख पूरा क्रिकेट जगत दांतों तले उंगली दबाने पर हो गया मजबूर। तो आखिर कैसे सूर्या ने अपनी विस्फोटक बल्लेबाजी से किया मैच को ड्रॉ, जब 6 गेंद पर भारत को जीत के लिए 22 रन चाहिए थे। पंत और सूर्या ने कैसे बांग्लादेशी टीम की उड़ाई धज्जियां, रच दिया नया इतिहास। दिल दहला देने वाले इस रोमांचक सुपर ओवर की पहली पूरी हाईलाइट का वीडियो तो हम आपको दिखाएंगे ही, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है रिंकू सिंह यशस्वी जायसवाल में से कौन है सबसे खतरनाक खिलाड़ी, नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों, T20 सीरीज में श्रीलंका को 3-0 से हराने के बाद भारतीय टीम अब बांग्लादेश से सामना करने वाली है। दोनों टीमों को 3 मैचों की T20 सीरीज खेलनी है। इस दौरे के लिए T20 सीरीज में कप्तान एक बार फिर सूर्यकुमार यादव को बनाया गया है। आपको बता दें, सूर्यकुमार यादव ने पहले मैच में टॉस जीतकर पहले बांग्लादेश को बल्लेबाजी करने के लिए आमंत्रित किया। बांग्लादेश की टीम ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए अपने 4 विकेट खोकर टीम इंडिया की तरफ से लितिन दास ने सबसे अधिक रन 82 रनों की पारी खेली। वहीं भारत की तरफ से अर्शदीप सिंह और मोहम्मद सिराज ने 2-2 विकेट अपने नाम किए। इस लक्ष्य का पीछा करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत बेहद शानदार हुई। यशस्वी जायसवाल और अभिषेक शर्मा ने मिलकर बांग्लादेश के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ा दी। 6 ओवर में ही टीम के स्कोर को 50 रनों तक पहुंचा दिया, लेकिन बांग्लादेश की तरफ से मुस्तफिजुर रहमान ने मैच को पलट दिया। पहले अभिषेक शर्मा को अपना शिकार बनाया और फिर अगले ओवर में ऋतुराज गायकवाड़ को पवेलियन का रास्ता दिखाकर इंडिया की कमर तोड़ दी, लेकिन उसके बाद यशस्वी जायसवाल के साथ साथ सूर्यकुमार यादव ने टीम की पारी को संभाला। इन दोनों बल्लेबाजों ने मैदान पर तांडव मचाया और टीम को जीत की दहलीज तक पहुंचाया, लेकिन सूर्यकुमार यादव भी अपना विकेट गवा बैठे। उसके बाद यशस्वी जायसवाल और रिंकू सिंह ने मैच को पलट दिया। जहां यह मुकाबला बांग्लादेश जीत रही थी, उस मुकाबले को इन दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर बराबरी पर लाकर खड़ा कर दिया। ये देखकर भारतीय खेमा खुशी से झूम उठा, लेकिन रोमांच और बढ़ चुका था। पहले ही T20 मैच में ऐसा रोमांच देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए थे, लेकिन अभी तक विजेता नहीं मिल पाया था। 240 गेंद खेलने के बाद भी हमें चैंपियन की तलाश थी, जिसके बाद दोनों एम्पायर और कप्तानों ने मिलकर डिसीजन लिया कि एक एक ओवर का सुपर ओवर मुकाबला खेला जाए। उसके बाद दोनों टीमें तैयार हुई और फिर एक बार बांग्लादेश को सुपर ओवर में भी बल्लेबाजी करने का मौका मिल गया, और मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए लिटन दास और शाकिब अल हसन एक बार फिर इन दोनों बल्लेबाजों ने अपनी टीम को मुश्किल घड़ी से निकालने का काम किया। भारत की तरफ से गेंदबाजी करने आए सुपर ओवर में अर्शदीप सिंह, लेकिन इन दोनों बल्लेबाजों ने अर्शदीप की जमकर कुटाई कर दी। एक के बाद एक कई चौके छक्के लगाकर 6 गेंद में भारत के सामने 22 रनों का भी हासिल कर पाने वाला लक्ष्य खड़ा कर दिया। भारत को यह लक्ष्य हासिल करना इतना आसान नहीं होने वाला था। भारतीय खेमा मायूस हो चुका था, दर्शक भी निराश हो चुके थे, हर कोई इंडिया की हार मान चुका था, लेकिन सुपर ओवर में भारत की तरफ से इस लक्ष्य का पीछा करने उतरे 2 खूंखार बल्लेबाज ऋषभ पंत और सूर्यकुमार यादव। भारतीय फैंस की निगाहें इन दोनों खिलाड़ियों पर टिकी हुई थी, हर एक दर्शक फिंगर क्रॉस करके बैठा हुआ था। वहीं बांग्लादेश की तरफ से सुपर ओवर में गेंदबाजी करने आए मुस्तफिजुर रहमान स्ट्राइक पर मौजूद थे। सूर्यकुमार यादव, मुस्तफिजुर रहमान की पहली गेंद सूर्यकुमार यादव को बिल्कुल भी समझ नहीं आई और उन्होंने केवल 1 रन लिया। वहीं मुस्तफिजुर रहमान ने दूसरी गेंद खतरनाक यॉर्कर फेंकी, ऋषभ पंत ने अपना विकेट बचाया और फिर सिंगल ले लिया। एक बार फिर सूर्यकुमार यादव स्ट्राइक पर जा चुके थे और इंडिया को जीत के लिए 4 गेंद में 21 रनों की जरूरत थी। सूर्यकुमार यादव बौखलाए हुए नजर आ रहे थे। मुस्तफिजुर रहमान की तीसरी गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने करारा प्रहार करते हुए गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अब टीम इंडिया को जीत के लिए 3 गेंदों पर 15 रनों की और जरूरत थी। हर कोई सूर्यकुमार यादव से उम्मीद लगाकर बैठा हुआ था, सभी दर्शक जीत की दुआ मांग रहे थे। मुस्तफिजुर रहमान ने चौथी गेंद यॉर्कर फेंकने की कोशिश की, लेकिन चतुर सूर्यकुमार यादव ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए उस गेंद को छक्के में तब्दील कर दिया और अब टीम इंडिया को जीत के लिए 2 गेंद पर 9 रनों की जरूरत थी। लेकिन सूर्यकुमार यादव अलग अंदाज में नजर आ रहे थे। जैसे मुस्तफिजुर रहमान गेंद लेकर दौड़ना शुरू किए, उस गेंद को सूर्यकुमार यादव ने पढ़ लिया। उसके बाद तो अपना सिग्नेचर शॉट खेलते हुए उस गेंद को तारामंडल का दर्शन कराते हुए स्टेडियम के चौथे स्टैंड में भेज दिया और अब टीम इंडिया को मैच जीतने के लिए 1 गेंद पर केवल 3 रनों की जरूरत थी। हर कोई इंडिया की जीत का जश्न मना रहा था, लेकिन सूर्यकुमार यादव अभी भी प्रचंड रूप में नजर आ रहे थे। मुस्तफिजुर रहमान की अंतिम गेंद पर सूर्यकुमार यादव ने एम्पायर के ऊपर से खतरनाक छक्का जड़कर टीम इंडिया को सुपर ओवर में कभी ना भूलने वाली जीत दिला दी और भारतीय टीम ने पहले ही T20 मैच में बांग्लादेश को शर्मनाक हार का स्वाद चखाकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली, हर किसी का दिल जीत लिया। तो दोस्तों, अब आपको क्या लगता है ऋषभ पंत, सूर्यकुमार यादव और यशस्वी जायसवाल में कौन है सबसे खतरनाक, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही नई नई वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।